अजय देवगन की दृश्यम 2 सक्सेसफुली रन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने 75 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं और जल्द ही 100 करोड़ हो जाएगी। और इसी दौरान अजय देवगन ने अपनी एक और धमाकेदार फिल्म का टीजर लॉन्च किया है, भोला, जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस अजय देवगन ने किया है, फिल्म के डायरेक्टर अजय देवगन ही है और फिल्म की कास्ट अजय और तब्बू ही है। अजय और तब्बू की जोड़ी को ओवर द ईयर्स पसंद किया गया है और इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा किया है। फिर चाहे फिल्म विजयपथ हो या फिर गोलमाल अगेन या फिर दृश्यम 2 ही क्यों ना हो, अजय देवगन और तब्बू ना सिर्फ अच्छे को स्टार्स हैं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं और उनकी ट्यूनिंग फिल्मों में गजब की जमती है। जहां तक बात है फिल्म भोला की, तो ये फिल्म रीमेक है साउथ की फिल्म कैथी की। कैथी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उसके बाद ही अजय देवगन ने इस फिल्म को टेक ओवर किया। अब जहां तक सवाल है कि ऑलरेडी देखी हुई फिल्म साउथ का रीमेक, क्या लोग इसे देखेंगे, तो दृश्यम 2 को जिस तरह से लोगों ने देखा है उस तरह से इस फिल्म को भी लोग देखने आएंगे, क्योंकि फिल्म का टीजर जो है वो कमाल का है। अजय देवगन की एक पहचान है कि वो शिवजी के भक्त है और अक्सर उनकी फिल्मों में ये झलक दिखाई देती है। बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म तो ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने पूरी शिवजी को ही डेडिकेट की है। फिल्म में अजय देवगन का नाम भोला है, भोलेनाथ हम शिवजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिल्म में अजय देवगन माथे पर भस्म लगाते नजर आते हैं, जो एक बार फिर से दिखाता है कि अजय देवगन शिव भक्त है। टीजर में एक सीन ये भी दिखाया गया है कि अजय देवगन ने हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। इसके अलावा अजय देवगन खुद पर्सनल लाइफ में शिव भक्त है, यही कारण है कि उन्होंने अपने सीने पर भी शिवजी का टैटू बना रखा है। तो कह सकते हैं कि अगर थैंक गॉड फिल्म से अजय देवगन पर थोड़ा बहुत भी आरोप लगा कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है या हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया है, तो भोला फिल्म वो लेकर आए हैं जो ट्रूली डेडिकेटेड है शिव जी को ही। ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो सालों बाद जेल से छूटता है और सबसे पहले वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है जो कि अनाथालय में पल रही होती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि उसका उसकी बेटी से मिल जाना मुश्किल होता है। इधर बेटी बहुत ही उत्सुक है और इधर जेल से निकलने के बाद हीरो जो है वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है और इसी के बीच की कहानी है भोला। अजय और तब्बू के अलावा जो कैरेक्टर रोल्स है उसमें भी शानदार एक्टर्स को कास्ट किया गया है जो स्क्रीन पर आते ही लाइमलाइट अपनी तरफ खींच लेते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, मकरम देशपांडे जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा है। इसके अलावा साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस राय लक्ष्मी भी फिल्म में नजर आएंगी।